हेलो व्हाट्सअप बॉयज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको पूजा लॉन्चर के कुछ शॉर्टकट कीज बताने वाला हूँ, जिससे आपको सर्वाइवल में या फिर क्रिएटिव में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और उन कीज को कैसे आपको गेम में ऐड करना है वो भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो अगर आप क्रिएटिव में हो तो सबसे पहले आप यहाँ से अगर ब्लॉक लेते हो तो हमें एक एक ब्लॉक मिलता है, हमें इसका स्टैक नहीं मिलता है। लेकिन वही अगर आप क्राउच करते हो, मतलब ये वाला बटन दबाते हो, तो इसके साथ हमें पूरा का पूरा स्टैक मिलता है उस ब्लॉक का। ओके, तो अगर जैसे कि मेरे पास देखो बहुत सारा सामान है और मुझे इस चेस्ट में डालना है, तो आप लोग क्या करते हो, बस उस पर उसके ऊपर क्लिक करते हो और एक एक सामान ऐसे डालते हो। फिलहाल ये थोड़ा सा सामान था, लेकिन समझो कि इस टाइप से हमारे पास बहुत सारा सामान है और अगर हमें इसे एक साथ इस चेस्ट में डालना है, मतलब उसे एक साथ तो नहीं बोल सकते लेकिन स्पीड में डालना है, तो सबसे पहले आपको क्राउच करना है और फिर ये जो PRI वाला बटन है उसके ऊपर आपको क्लिक करते हुए रहना है और अपना जो एरोज है वो उन ब्लॉक के ऊपर रखना है। सिर्फ ऐसे करते ही देखो कितनी स्पीड में अपना जो सामान है वो चेस्ट में जा रहा है। और अगर चेस्ट से हम इन्वेंट्री में लेना है तो इसी तरह से हम लोग इसको भी ले सकते हैं। और सेम थिंग हम लोग आर्मर के साथ भी कर सकते हैं। देखो अगर हमें आर्मर पहनना है तो क्राउच करके बस PRI वाला बटन दबा देना है, पूरा आर्मर हमने पहन लिया है। अब उतारना है तो फिर से PRI वाला दबा देना है बटन, बस सिर्फ क्राउच करना है। तो ये सारी चीज़ हम लोग आर्मर के साथ भी कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम लोग सर्वाइवल में किसी विलेजर को बोट में बिठाते हैं और बोट को तोड़ने के बजाय हम लोग उसे मारते हैं तो वो अपनी ट्रेड्स ज़्यादा बढ़ा लेता है। यार ये मेरे पीछे पड़ गए, तो उसको हीट ना पड़े इसके लिए हम लोग हीट बॉक्स को इनेबल कर सकते हैं। उसके लिए आपको डीबग, ये जो साइड में आपको डीबग नाम का बटन दिख रहा है उसको होल्ड करके रखना है और ये साइड में जो आपको बी वाला बटन दिख रहा है उसको आपको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद ये जो हीट बॉक्स है वो इनेबल हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, माइनक्राफ्ट में जितने भी चीज़ें हैं उनके साइड में बॉर्डर आ जाएगी और उन बॉर्डर में अगर हम उन्हें मारते हैं, मतलब क्लिक करते हैं, तभी उन्हें डैमेज पड़ेगा। जैसे कि देखो इस बोट की जो बॉर्डर है वो यहाँ पे नहीं है, अगर मैं यहाँ पे मारूंगा तो ये बोट नहीं टूटेगी, लेकिन अगर इस बॉर्डर पे मैं मारूंगा तो देखो बोट टूट चुकी है और हमारे विलेजर को भी कोई डैमेज नहीं पड़ा। इसे आपको सर्वाइवल में बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्प हो जाएगी, क्योंकि विलेजर्स को यार हीट पड़ेगी तो वो ट्रेड बढ़ा देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक पिगी है, इसके मैं सर पे मार रहा हूँ लेकिन इसके कोई डैमेज नहीं पड़ रहा है, और अगर मैं इस हीट बॉक्स के अंदर इसको मारता हूँ तो देखो एक ही शॉट में मर गया। और अगर आपको इसको डिसेबल करना है तो सिर्फ आपको डीबग और फिर से बी दबा देना है, जिससे कि ये डिसेबल हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग ऐसे गेम मोड को कैसे चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको डीबग वाले बटन को होल्ड करके रखना है और F4 वाला बटन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसको छोड़ देना है। बस ध्यान रखना डीबग वाले बटन को मत छोड़ना। उसके बाद एरो को किसी भी मोड पर लेकर फिर डीबग वाले बटन को छोड़ देना है, जिससे कि आप लोग उस मोड में आ जाओगे। इसे यार आप लोग अपने गेम मोड को फास्टली चेंज कर सकते हो। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग चंक्स को कैसे ऑन कर सकते हो। इसके लिए आपको डीबग वाले बटन को होल्ड करके रखना है और जी वाले बटन को क्लिक करना है। इसे देखो साइड में एक चंक बॉर्डर आ चुकी है, मतलब इस बॉर्डर के अंदर एक चंक होगा, मतलब 16x16 का एक एरिया होता है उसको माइनक्राफ्ट में चंक बोलते हैं। तो इसका यूज़ आप लोग सर्वाइवल में बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। आपने अगर मेरे सर्वाइवल सीरीज का Part 2 देखा होगा तो इससे हम लोगों ने बहुत सारे डायमंड्स खोजे थे। अगर आपको इनको बंद करना है तो फिर से डीबग और जी दबा देना है, जिससे कि ये बंद हो जाएंगे। ओके, सपोज आपको इस घर का फोटो लेना है और GUI वाले बटन को दबाते ही सारे बटन साइड हो जाते हैं, बट यार अपने हॉट बार का क्या करें। तो इसके लिए आपको F1 वाले बटन को क्लिक करना है, जो कि इस साइड में मैंने लगा के रखा है। इससे अपना हॉट बार रिमूव हो जाएगा और GUI वाले बटन को दबाते ही अपने सारे बटन रिमूव हो जाएंगे, जिससे हम लोग इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर इन दो बटन को भी आपको हाइड करना है तो इसकी ट्रांसपेरेंसी आप लोग कम कर सकते हैं, जिससे आप लोग मस्त वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अगर आपको गेम को बैक लेना है तो हर बार आप लोग कुछ इस तरह से बैक लेते हो, लेकिन इसके लिए भी एक बटन है जिसके लिए आपको एस्केप वाला बटन दबा देना है। ये देखो आपको साइड में दिख रहा होगा, इसको दबाते ही देखो अपना पूरा मेन्यू ओपन हो चुका है, जिसके लिए आपको हर बार उस तरह से बैक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अगर आपको अपने हाथ में जो सामान है उसको फेंकना है तो आप लोग क्यू वाले बटन का यूज़ कर सकते हो। इससे अपने हाथ में जो भी सामान है उसको हम लोग फेंक पाएंगे और इससे अगर हम लोग विलेजर्स को हमें ब्रेड देने तो इससे हम लोग बहुत ही आसानी से उनको ब्रेड दे सकते हैं। तो गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ इन बटन्स को आप अपने गेम में कैसे ऐड कर सकते हो। तो गेम में आपको बटन्स ऐड करने के लिए क्या करना है, ये जो राइट वाली साइड है उसको लेफ्ट साइड में स्वाइप करना है, जिससे कि यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको कस्टम कंट्रोल्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो बहुत सारे फिर से ऑप्शंस आ गए। फिर आपको ऐड बटन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे कि एक बटन आपके सामने आ जाएगा।
फिर इसका आपको जहाँ पर भी रखना है वहाँ पे आप रख सकते हो। उसके बाद आपको एडिट पे क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक करने के बाद इसका नेम आप लोग कुछ भी रख सकते हो। फिलहाल मैं इसका नेम जी रख देता हूँ और उसके बाद बैक आना है। फिर यहाँ पे आपको देखो मैपिंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा। फिर फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो हमने नेम रखा है उसका हमें की कोड ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे हमें जी वाला की कोड मिल चुका है। अब इसके ऊपर क्लिक करके हमें बस ओके कर देना है, जिससे कि अपना एक की कोड यहाँ पे लग चुका है, मतलब एक बटन अपना लग चुका है। फिर अगर आपको और भी बटन लगाने तो इसके ऊपर क्लिक करके इसका क्लोन आप लोग बना देना। फिर इसके ऊपर फिर से एडिट पे जाना है और इसका नाम जो भी आप रख सकते हो, फिलहाल मैं इसका नाम बी रख देता हूँ। और मैपिंग में जाके इसका जो की कोड है उसको भी मैं बी सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे बी सिलेक्ट कर दिया और फिर से ओके कर देना है। इस तरीके से आपको जो भी बटन चाहिए उसका नेम आप लोग यहाँ पे लिख देना और फिर मैपिंग में जाके वो वाला जो की कोड है उसको आपको सिलेक्ट कर देना है, जिससे कि वो बटन है ना वो वर्क हो पाए। कुछ लोग सिर्फ नाम लिख देते हैं और की कोड लगाना भूल जाते हैं, इसलिए उनके गेम में वो बटन है वो वर्क नहीं हो पाता। आप लोग नाम कुछ भी लिख सकते हो लेकिन बस की कोड ढंग से डाल देना। ओके, तो इस तरह से आप लोग सारे बटन्स को ऐड कर सकते हो। अगर आपको एस्केप वाला बटन ऐड करना है तो इसके लिए आपको ये डाल देना है। फिर मैपिंग में जाके आपको ये वाला की कोड ढूंढना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो एस्केप वाला की कोड है, इसके ऊपर आपको क्लिक करके ओके लगा देना है, जिससे कि आप लोग गेम को बैक ले सकते हो। और ये सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ पे साइड में स्वाइप करके आप लोग इसको सेव कर सकते हो। तो गाइज आई होप कि आपको सारे स्टेप समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आता तो मुझे फिर से कमेंट करके बता देना, मैं इसका पार्ट टू भी लेकर आ जाऊंगा। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज यार लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी जाते जाते सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।